आलोकित करुछि आदानी ग्रुप। जदियो देशर 91% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सरकारी नियंत्रण में रही तेबे आदानी ग्रुप एकाधिक सुजोग हातेबारे सफल होइछि। जेतेबेले कि सरकार गत 6 वर्ष अधिकरु अधिक कंट्राक्ट घरोई संस्था मानकु दिया जाइछि, जेतेबेले टाटा पावर लिमिटेड एवं अनिल अंबानी रिलायंस पावर लिमिटेड भली संस्था विशाल थर्मल पावर प्रकल्प पाई लाइसेंस हाथौथिले, सेही समय रे आदानी ग्रुप गुजरात मुंद्रा रे निजस्व कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापन पाई निष्पत्ति नेथिला। एक दशंधि परे सरकारंक एनटीपीसी लिमिटेड परे आदानी पावर देशर द्वितीय बृहत्तम थर्मल विद्युत उत्पादनकारी संस्था भाव परिगणित होउछि। आदानी पावर पाखरे घरोई बिजुली उत्पादन क्षमतार 20% रहिछि, एहा मोट थर्मल बिजुली उत्पादनर 5%, कारण थर्मल पावर सरकारी संस्था द्वारा नियंत्रित होउछि। आदानी ट्रांसमिशन नेटवर्कर 22 मिलियन उपभोक्ता होउछन्ति केवल भारतर अर्थनैतिक राजधानी मुंबईर। फसल फुएल धीरे धीरे सरी आसुछि, विश्वरे देशगुड़िक आगामी 3 दशंधि थर्मल पावर उपरे भरोसा करिबा आरंभ करिछन्ति। एभली स्थिति रे आदानी ग्रीन एनर्जी देशर सबुठ बड़ रिन्युएबल एनर्जी भावे उभा होइछि। आगामी 10 वर्ष आदानी ग्रुप निजर रिन्युएबल एनर्जी क्षमता 20 गीगावाट वृद्धि करिबाकु ग्रीन एनर्जी प्रकल्प, सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग एवं ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में $70 बिलियन निवेश करिबाकु योजना करिछि। एही क्रम रे आदानी ग्रुप्र आनुआल जनरल मीटिंग रे गुजरातर एक मरुभूमि रे विशाल विंड एवं सोलार पार्क पाई सूचना देथिले ग्रुप मुख्य गौतम आदानी। आदानी ग्रुप्र घोषणा मुताबक आगामी 7 वर्ष कंपनी करिबाकु थिबा निवेशर 85% ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम सृष्टि करिबारे खर्च हेब, जहाँ मध्य ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक अंतर्भुक्त। भविष्य में आयर सिंह भाग ग्रीन स्पेस रु ही आसीबो। रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जय जगन्नाथ। चकाखी सबु देखु आमे लड़ीबु साधारण ओडियांको न्यायर लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती, किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु, किंतु आमे कहिबु रोक ठोक।